उनको एक दलित नेता के तौर पर उनकी पहचान है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि मास्टर बहुलाल की मेघवाल की तबीयत नासाज है, तो उनके विकल्प के तौर पर परशुराम मौर्या की यहाँ पर लॉटरी खुल सकती है। महेश जोशी जो फिलहाल मुख्य सचेतक है, उन्होंने राज्यसभा चुनाव से लेकर इस क्राइसिस में पूरा मैनेजमेंट संभाला था, तो बतौर इनाम उन्हें प्रमोट करके मंत्री बनाया जा सकता है, ये उनका नाम यहाँ पर आया है। और निर्दलीय विधायकों की बात करें तो अब हालात और समीकरण बदल गए पर आ, क्योंकि पायलट कैंप वापस लौट आया है, तो पहले निर्दलीय और अन्य जो विधायक थे उनको काफी उम्मीदें थी कि उन्हें ज्यादा संख्या में मंत्री बनाया जाए, लेकिन निर्दलीय विधायकों में दो ही विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं, महादेव सिंह खंडेला जो पहले केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और संयम लोढ़ा, इन दो के ही नाम आ रहे हैं जिनको निर्दलीय विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। अब बात बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए छह विधायकों की, तो पराग उनमें से सिर्फ एक नाम निकल कर सामने आ रहा है, राजेंद्र गुड़ा जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, क्योंकि अब स्थितियां बदल जाएगी, पहले पायलट कैंप नहीं होता तो निर्दलीय और जो बसपा से आए वो दो तीन और विधायक बन सकते थे, लेकिन अब उम्मीदें लग नहीं रही। अब दिक्कत है राजेंद्र गुड़ा को, अगर एक को विधायक पराग यहाँ पर बनाया जाता है तो पांच उनके अन्य साथी नाराज हो सकते हैं, तो उसकी संभावना ये बनती दिख रही है फिर राजेंद्र गुड़ा को भी मंत्री नहीं बनाकर संसदीय सचिव या किसी बोर्ड आयोग में चेयरमैन बनाकर एडजस्ट कर दिया जाए। अब बात की जाए दीपेंद्र सिंह शेखावत है, वो भी शेखावाटी एक इलाका है वहां से आते हैं, राजपूत नेता राजपूत चेहरा है, तो राजेंद्र गुड़ा भी राजपूत चेहरा है, तो एक क्षेत्र से दो राजपूत नेताओं को कैसे मंत्री बनाया जाए ये भी यहां पर दिक्कत आ रही है। तो पूरी स्थितियां पराग पायलट कैंप के आने के बाद जातिगत सियासी क्षेत्रीय तमाम तरह के समीकरण बदल गए हैं, तो बहुत कह सकते हैं कि पहली अग्नि परीक्षा होगी इस सियासी एपिसोड के शांत होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, लेकिन यह सब कुछ होगा आलाकमान के सुपरविजन में, पूरी तरह से उनके मॉनिटरिंग में, क्योंकि वो जो कमेटी की रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसका आलाकमान अपने स्तर पर अध्ययन करेगा, प्रियंका गांधी अहमद पटेल के साथ बंद कमरे में उन 19 विधायकों की क्या बातचीत हुई, उसका जो प्रियंका गांधी ने वादा किया वो भी बाकायदा पूरी तरह से निभाया जाएगा, क्योंकि ऐसे ही वापसी कह सकते हैं कि सियासत में नहीं हो सकती, तो ये तमाम चीजें। साथ ही पराग एक और चीज निकल कर सामने आ रही है कि आप मंत्री 30 बना सकते हो, और जिस तरह 100 विधायक डटे रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ 34 दिन से ज्यादा, उनके मन में एक इच्छाएं जागृत हो गई थी इस पायलट और गहलोत में जो तल्ख बयानबाजी हुई, जो एपिसोड हुआ, उनके कह सकते हैं कि उमंगे हिलोरे लगने लग गई थी, हर कोई मन में मंत्री बनने की कह सकते हैं आशाएं जगाए बैठा है, लेकिन अब उनको एडजस्ट कैसे किया जाए, तो बताया जा रहा है इनके अलावा 30 विधायकों को किसी निगम बोर्ड या किसी कॉरपोरेशन में चेयरमैन बनाया जा सकता है, और 10 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है, तो 30 मंत्री 30 बोर्ड आयोग चेयरमैन और 10 संसदीय सचिव, तो 70 विधायक आपके एडजस्ट यहाँ हो गए, कह सकते हैं कि उनको आप इस तरह सत्ता सुख देकर साध सकते हो, खपा सकते हो। अब एक राहुल गांधी ने जब राजस्थान का मंत्रिमंडल तैयार हुआ था तो साफ कहा था कि फर्स्ट टाइमर यानी पहली दफा जो चुनकर आए विधायक है वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, तो ये नियम यहाँ भी लागू रहेंगे, बरकरार रहेगा, सिर्फ लागू होगा कांग्रेस के विधायकों पर, यानी जो कांग्रेस